नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आज हम आपको लोकसभा और विधानसभा स्पीकर के बारे में जानकारी देंगे। संसद के हर सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है, राज्यसभा में इसे सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष कहा जाता है और इसी प्रकार राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का भी अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है, विधानसभा में इसे अध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अध्यक्ष सदन की गरिमा तथा उसकी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है और चूंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है इसीलिए अध्यक्ष एक प्रकार से राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक होता है। अध्यक्ष के पास खास शक्तियां और विशेषाधिकार होते हैं। संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है और उनके और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, 94, 95 और 96 से संबंधित हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन भी करता है। वो निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वो सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और उसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। तो ये तो थी कुछ खास बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। स्पीकर से जुड़ी हुई जानकारी के लिए अगर आप कोई कानूनी सहायता चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन्स पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ से ऐसा विषय से जुड़ी हुई जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स हैं 01206127937, 01206127937। साथ ही साथ लीगल हेल्पलाइन से मुफ्त जानकारी पाने के लिए या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो स्पीकर से जुड़ी हुई जानकारी या कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहे हैं और इसके जरिए आप जान सकते हैं कई तरीके की स्पीकर से जुड़ी हुई जो जानकारियां होती हैं ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती हैं और ऐसे में वो हमारे इस कार्यक्रम के जरिए इन सारे सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपको एक बार नंबर फिर से बता देते हैं 01206127937, 01206127938। ये हमारे दो नंबर्स हैं जिन पर आप संपर्क करके कानूनी सहायता ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अभिजीत जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है। देखिए, हमारा जो लोकसभा, राज्यसभा या तो लोकल असेंबली जो है, स्टेट असेंबली, ये सब चलते हैं। इनका जो मेन ऑफिसर जो है, प्रिंसिपल ऑफिसर, इसको कहते हैं स्पीकर जी। ये लोकसभा की दो ऑफिशियल होता है, एक स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। सिमिलरली इन असेंबली, आई मीन इन स्टेट असेंबली, राज्यों में जो स्पीकर होता है वहां पे भी दो होता है कि एक स्पीकर एंड एक डेप्यूटी स्पीकर। कभी कभी डेप्यूटी स्पीकर या तो स्पीकर को डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन भी कहा जाता है जी। अच्छा, हमारा लोकसभा में स्पीकर है और राज्य जो लोकसभा को उद्बोधन, लोकसभा को जो कॉन्डक्ट करते हैं, वैसे ही हमारा राज्यसभा भी है। राज्यसभा में हाउस ऑफ, इसको बोलता है हाईएस्ट हाउस ऑफ द इंडिया, वो है राज्यसभा जी। वहाँ पे जो स्पीकर होता है, जो चेयरमैन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो हमारा स्पीकर की पावर जो दे रखा आर्टिकल 89 में, वहाँ पे ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट करके बोल रहा था कैसे क्या होगा। मैं आपको एक बार बताता हूँ जी कि जो हमारा
मिनिस्टर जो होता है सेंट्रल मिनिस्टर वो कैसे चलेगा, तो उसमें से 89 वहाँ पे पावर दे रखा चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब जो सरकार जो चलेगा उसका जो लोकसभा या तो राज्यसभा होगा उसमें से कौन इसको कंडक्ट करेगा वो स्पीकर के तौर पे बोल रखा। उसमें आर्टिकल 180 में क्लियर कट है कैसे अपॉइंटमेंट होगा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट भी होगा और आपका उसमें राज्यसभा भी और या तो लोकसभा राज्यसभा ऐसा स्टेट में भी, जैसा आर्टिकल 163 में ये सारे चीज डिटेल्स में लिखा है। जी जी बिल्कुल अभिजीत जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा स्पीकर की शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या होती हैं और विधानसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे की जाती है। जी मैं एक चीज बताऊं। जी हमारा 163 में देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द जनरल। अच्छा अभी क्या पूछा क्वेश्चन अभिजीत जी, लोकसभा स्पीकर की शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, साथ ही साथ विधानसभा के स्पीकर की अगर बात की जाए तो उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारा सारे लोकसभा एंड राज्यसभा चलते हैं, उसमें से आर्टिकल 178 में क्लियर बोला है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और 89 में बोला लिखा है कि लोकसभा की स्पीकर के लिए। अच्छा ये जो स्पीकर होता है स्पीकर हमारा जो मेंबर इलेक्ट हुआ आता है लोकसभा में जी उसी से स्पीकर को चुना जाता है, वो कैसे एक्चुअली हमारा स्पीकर को ओथ लेना पड़ता है और वो ओथ लेने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट देना पड़ता है, तो ये प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेम स्पीकर की कोई प्रावधान है ही नहीं, लेकिन वहां पे ये प्रावधान है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हर मेंबर ऑफ असेंबली हैज टू टेक एन ओथ। जी बिल्कुल। ये ओथ कैसे होगा, कौन कराएगा, तो ये ओथ की पावर दे रखा स्पीकर के पास जी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे हो असेंबली हो जी, तो ये स्पीकर जब होगा अपॉइंटमेंट स्पीकर को भी तो आपको ओथ लेना पड़ेगा, तो स्पीकर को ओथ कौन दिलाएगा, तो इसीलिए एक प्रोटेम स्पीकर की पोस्ट क्रिएट किया गया जी। प्रोटेम स्पीकर उसमें क्या है, प्रोटेम स्पीकर में 163(1) में लिखा है कि एक प्रोटेम स्पीकर इलेक्ट होगा, उन्होंने सारे मेंबर को ओथ दिलाएगा जी, उसमें से स्पीकर भी होगा जो स्पीकर बाद में इलेक्शन करके स्पीकर चुना जाता है, तो स्पीकर के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होके पार्लियामेंट पे या तो असेंबली में आया उसी से जो स्पीकर कॉन्टेस्ट करने के लिए नॉमिनेशन फाइल करते हैं, तो नॉमिनेशन में जो इलेक्टेड होगा वो स्पीकर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, पहला हमारा काम होगा हर मेंबर इलेक्टेड आइदर इन लोकसभा और इन असेंबली दे हैज टू टेक ओथ, मतलब पहले इन लोगों को ओथ लेना पड़ेगा कि हम काउंसिल ऑफ स्टेट या तो असेंबली या तो लोकसभा में हम लोग मेंबर के तौर पे हम अटेंड करेंगे, तो उसके लिए उसको इलेक्शन होने के बाद उन लोगों का ओथ होगा। ओथ कौन दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर इलेक्ट होगा, प्रोटेम स्पीकर सिलेक्ट होगा, इनको प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है और जो ज्यादातर जो होता है कि सीनियर मेंबर ऑफ द लोकसभा या तो विधानसभा की जो होता है उन लोगों को ही प्रोटेम स्पीकर इलेक्ट किया जाता है ताकि वो आगे जाके सब लोगों को ओथ दिला सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला काम। दूसरी हो गया
प्रोटेम स्पीकर की बात, स्पीकर की ओथ होता है जी। फिर स्पीकर की ओथ होने के बाद स्पीकर आ जाएगा, स्पीकर सबको ओथ दिलाएगा। ठीक है अभिजीत जी, जिस हिसाब से आपने स्पीकर की शक्तियों के बारे में, स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में बताया, इसके बाद आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि क्या स्पीकर किसी विधायक की सदस्यता रद्द कर सकता है, क्या दल बदल कानून के संदर्भ में ये बताइएगा, अगर हाँ तो किन हालातों में ऐसा किया जा सकता है। जी ऐसा है, हमारा नया एक कानून आया एंटी डिफेक्शन लॉज जी, उसका पीछे का जो हिस्ट्री था कि कई बार ऐसा हुआ कि कोई एमएलए, एक दो तीन एमएलए, चार एमएलए, या तो लोकसभा की मेंबर अगर बोले तो दो चार एमपी, तीन चार एमपी, वो लोग दल बदल कर लेते हैं जी। और दल बदल करने से क्या होता है कि सरकार की जो आंकड़ा कम बेसी हो जाता है, चाहे हो विधानसभा हो चाहे हो लोकसभा भी जी। तो इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन बिल ले आया, ये अभी एक्ट हो गया, बिल से बाद में एक्ट भी हो गया। इसमें जो लिखा है कि अगर कोई मेंबर टू थर्ड मेजोरिटी लेके उसी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है तो उसी में उसी मेंबर को सदस्यता खारिज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मेंबर एक दो तीन चार पांच वो अपना जिस पार्टी से इलेक्टेड हुआ उसी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है जी, तो इसी में स्पीकर की पावर है इन सभी सदस्यों की सदस्यता रद्द करने का, कैंसिल करने का जी, ये पावर स्पीकर को दिया गया है जी। बिल्कुल अभिजीत जी, क्या स्पीकर के आदेशों का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? नहीं, इसमें एक मैटर है जी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दे रखा पहले कि 93 में कि उसमें लिखा है कि स्पीकर की जो निर्देश जी वो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते जी। तो बाद में ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आया और केशवानंद भारती इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया की ये सबसे ऊंचा सबसे बड़ा ये रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही सारे के सारे काम कानून चलेगा जी। अगर स्पीकर कोई गलत इशू गलत डिसीजन ले रहे That order can be challenged in the court. ये सुप्रीम कोर्ट में होल्ड किया जी। हाले मैं एक मैटर में के लिए हम बोल सकते हैं, कुछ दिन पहले एक साल पहले ही होगा महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि एक पार्टी कई सारे मेंबर्स को लेके डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में शामिल हो गया था, मतलब पार्टी में शामिल नहीं हुआ लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी को समर्थन में सरकार तैयारी करने के लिए सरकार को समर्थन करने के लिए सरकार बनाने के लिए चला गया था जी, जी। उसका अपना जो पार्टी इलेक्टेड हुआ था उसी दल छोड़ के जी, बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, स्पीकर ने एक डिसीजन लिया, उन्होंने जो डिफेक्ट करके आया था, डिफेक्शन करके जो टीम आया था उसी टीम की जो लीडर था उसी लीडर को स्पीकर ने बोला कि तुम फ्लोर टेस्ट करो। ये जो ऑर्डर हुआ था कि तुम फ्लोर टेस्ट करो और उसके पहले जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर था उन्होंने रिजाइन कर दिया था, कारण क्या था वो बताएगा लेकिन फैक्ट रिमेंस जो है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। बिल्कुल अभिजीत जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2016 का जो नबाम रेबिया मामला था उसमें ये कहा गया था कि स्पीकर को अयोग्य ठहराने की जो कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है, जबकि उनके निष्कासन का प्रस्ताव लंबित है, इसके बारे में भी कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या कुछ ये केस रहा। हाँ जी, स्पीकर की ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जब इसको डिस्कस किया उसी मैटर के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट इसको होल्ड किया
कि स्पीकर के आदेश गैर कानूनी था जी, और तभी स्पीकर की ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट की पांचों जजेस बेंच, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, स्पीकर के आदेश को खारिज कर दिया था और फिर बोले स्पीकर को कि तुम इसको दोबारा इसको कंसीडर करो। तो मैंने एक क्वेश्चन जो आपका था कि वेदर द डिसीजन टेकन बाय द स्पीकर कैन बी चैलेंज और रिव्यू बाय द कोर्ट, इसमें से मेरा कहना था कि हाँ हो सकता है, अगर स्पीकर की ऑर्डर पता चले कि कोई गलत तरीका से हुआ या तो गैर कानूनी हुआ या तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रावधान को ओवरडूल करके उन्होंने किया, तो तब कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल अभिजीत जी, लगातार महाराष्ट्र संकट के बारे में बातचीत जिस हिसाब से आपने बताया, नबाम रेबिया केस के बारे में और भी काफी चीजों पर प्रकाश डाला, आपने हमारे दर्शकों को काफी सारी चीजें बताई। आपसे ये भी आखिरी एक सवाल हमारा है, ये भी जानना चाहेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की क्या कुछ प्रक्रिया होती है? अच्छा, ये जो है स्पीकर को रिमूव करने के लिए वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है, उसमें आपको स्पीकर को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको लाना पड़ेगा जी, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में स्पीकर को रिमूव किया जाएगा आपका असेंबली से जी। जी बिल्कुल अभिजीत जी, आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और स्पीकर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।